हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, नेवी AASSR 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, पेपर कैसा रहा है, इजी, मॉडरेट, टफ, तो पूरी की पूरी जानकारी हम इस पेपर में लेंगे फ्रेंड्स, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पूछा गया, तो कैनबेरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया में कौन सा अवार्ड मिला था, उनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये फ्रेंड्स, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले ही ये रशिया में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब रशिया गए थे तो उन्हें ये अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। PM ऑफ जापान, ये शायद मुझे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि ये पूछा गया है या नहीं, शिंजो आबे। आप हमें कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स और बताइए हमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया या नहीं। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, तो पद्म विभूषण हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, पद्म विभूषण। देखिए फ्रेंड्स, पहले शिफ्ट ने पूछा गया था सेकंड फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा गया था, जो परमवीर चक्र है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो पूछा गया था, ये पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम ये क्या है, तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम ये मोहनदास गांधी है, और उनका पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, ICC के चीफ का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स मनु सोनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीफ के बारे में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो और एक क्वेश्चन पूछा गया था WWE के चीफ के नाम, तो फ्रेंड्स विंस मैकमहोन। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं। आप हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत में जब मैं क्वेश्चन करा दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। ठीक है, फ्रेल्टी का एंटोनिम्स पूछा गया, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। कैपिटल ऑफ बर्किना फासो, अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल पूछा गया है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसका आंसर भी क्या है। तो ओगाडोगो, क्या हो जाएगा, ओगाडोगो। ये इसका जो कैपिटल है, ये ओगाडोगो हो जाएगा। ठीक है, ओगाडोगो। ठीक है, अफगानिस्तान की करेंसी पूछी गई थी, तो अफगानी ये आपकी करेंसी हो जाएगी अफगानिस्तान की। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, M1, L2 और T इनवर्स ऑफ -1, बहुत ही सिंपल सा। फुल फॉर्म पूछा गया था MF का, अर्थात म्यूचुअल फंड। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ नासा, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो जो मुझे मिले हैं, बस वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइटर ऑफ मृच कतिकम, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि राइटर पूछा गया था, इसका शूद्र का हो जाएगा। एनमिटी का हो जाएगा, एनमिटी का क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सिंड्रोम या एंटोनिम पूछा गया था, तो ये फ्रेंडली हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी, भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ये कांग्रेस की थी। करेंसी ऑफ रशिया, तो रशियन रूबल, क्या हो जाएगा, रशियन रूबल। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ही लिव्स एट, देखिए ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे थे, फ्रॉम, अराउंड, एट, विथ, तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ही लिव्स एट चेन्नई। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट से या इंटीग्रेशन से, देखिए कौन सा था, मुझे भी करेक्ट मिला नहीं। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट जीरो टेंस टू टू, एक क्वेश्चन इससे था। ठीक है, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन आया था। आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे नहीं पता कि वो आप क्या पूछना चाह रहे हो, या व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। ठीक है, मीनिंग मीनिस्ट और इज मीनिस्ट, एक चार ऑप्शन थे, बहुत सिंपल सा मीन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो हैमिल्टन, 1930 ईस्वी में हुआ था पहला कॉमनवेल्थ गेम। तो ये पूरा पूरा आप स्पीडी से कवर कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है, मैं स्पीडी के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखा हूँ, मैंने पहले भी AASSR के और MR के लिए क्वेश्चन जब कराए थे, तभी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जो बाद के एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्काई चैंपियनशिप 2019 के वुमेन विनर कौन रही हैं, तो लिंडसे वॉन, क्या हो जाएगा, लिंडसे वॉन।
पूर्वी भारत का व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? पूर्वी भारत का व्यस्त रेलवे स्टेशन आपका हावड़ा या कानपुर सेंट्रल। अगर इन दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ओडिशा की राजकीय भाषा क्या है? तो ओडिशा की राजकीय भाषा ओडिया है। क्या हो जाएगी? ओडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सभी को पता है भाई, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, हिंडबर्ग रेखा, ये कौन सी रेखा है? देखिए कौन सी रेखा है जो दो देशों को एक आपस में जोड़ती है? तो पोलैंड और जर्मनी के बीच ये रेखा बनी हुई है, हिंडबर्ग रेखा, जो आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पूछा गया था 1/cos 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2x, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। के सिवान को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में चंद्रयान 2 के लिए? ये देखिए एक बार करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। कलाम पुरस्कार तब से सम्मानित किया गया कहाँ पर, किसके द्वारा, किस सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया, के सिवान को। ठीक है, जो कि इसरो के चीफ हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के साथ मिल जाएगी, तो आप इसको पीडीएफ के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेवी के पल पल की खबर पाने के लिए, पल पल की जो है क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कि शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।